अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 हमने इब्तदाई तिब्बी अमदाद के क्वेश्चन आंसर किए थे। आज हम एक और क्वेश्चन करेंगे। पढ़िए, बहते खून को रोकने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? जवाब, बहुत ज़्यादा खून बह जाने की सूरत में मरीज की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। खून रोकने के लिए सबसे पहले रुई या कपड़े की गद्दी सी बनाकर खून बहने की जगह को बांध दें। जख्म वाले हिस्से को जरा ऊंचा रखें ताकि खून बहना बंद हो जाए। दोबारा देखिए, बहुत ज़्यादा खून बह जाने की सूरत में मरीज़ की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है। खून रोकने के लिए सबसे पहले रुई या कपड़े की गद्दी सी बनाकर खून बहने की जगह को बांध दें। ज़ख्म वाले हिस्से को ज़रा ऊंचा रखें ताकि खून बहना बंद हो जाए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन एक रह गया था। ये क्वेश्चन कीजिएगा, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है, शुक्रिया।